दिवाली पर हम क्या जलाते हैं? तीन ऑप्शन दे रखा है, चूल्हा, दीपक या अंगीठी। तो दिवाली पर हम क्या जलाते हैं? दीप जलाते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है इसका, ईद पर हम क्या खाते हैं? तो इसमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं, सेवैया, खीर या गुजिया। तो हम ईद पर क्या खाते हैं? सेवैया खाते हैं। ईशा का जन्मदिन किस नाम से जाना जाता है? ईद, दशहरा या क्रिसमस। तो ईशा का जन्मदिन क्रिसमस नाम से जाना जाता है, यानी कि पहले का सेकंड ठीक है, दूसरे का फर्स्ट वाला राइट है और तीसरे का थर्ड वाला राइट है। अब ये लेसन अपने सब कंप्लीट हो गए हैं, नया लेसन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अच्छी नहीं गुलामी, हमें किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। अब पहले हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं बच्चों। उसके बाद है बच्चों निशान यानी चिन्ह।
निशान यानी चिन्ह। गुलामी दासता, उसके बाद है शिकारी, शिकार करने वाला व्यक्ति। शिकार करने वाला व्यक्ति जो शिकार करे। ठीक है, प्रश्न पढ़ेंगे एक बार शब्दार्थों को देखिए। पहले बच्चों, तंदुरुस्त स्वस्थ निरोगी, निरोग। दबोचना, अचानक किसी को कस कर पकड़ना, झपटना, आक्रमण करना या धावा बोलना। कमजोर, कम ताकत वाला या फिर दुर्बल। चापलूसी, झूठी प्रशंसा। डोली, छोट टोली, छोटा सा झुंड। निशान, चिन्ह। गुलामी, दासता। शिकारी, शिकार करने वाला व्यक्ति। अब चले कहानी पढ़ते हैं, कहानी की ओर चलते हैं बच्चों। एक शिकारी ने शिकार करने के लिए कई कुत्तों को पाल रखा था। अपने पास एक शिकारी था, जानवरों का शिकार करते हैं, उसने अपने पास एक कुत्ते पाल रखे थे। उनमें से सबसे मोटे ताजे तंदुरुस्त कुत्ते का नाम रॉकी था। वह बहुत तेज दौड़ता था और शिकार की गर्दन को भी दबोचकर झट से उसे पकड़ लेता था। एक दिन रॉकी जंगल में शिकार को ढूंढ रहा था कि उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। दिख रही है ना आपको लोमड़ी और ये रॉकी, देखो तंदुरुस्त एकदम। रॉकी झपट कर उसके पास पहुंचा। लोमड़ी डर कर रॉकी के पैरों पर गिर पड़ी। वह गिड़गिड़ाकर बोली, भैया क्या तुम अपनी इस कमजोर बहन पर दया नहीं करोगे? तुम इतने तंदुरुस्त हो, ताकतवर हो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मैं बिल्कुल कमजोर हूँ, क्या तुम मुझ पर दया नहीं करोगे? रॉकी को उस कमजोर लोमड़ी पर दया आ गई। वह बोला, डरो मत, तुमने मुझे भाई कहा है तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। बहन की रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। रॉकी की बात सुनकर अब लोमड़ी का कुछ डर दूर हो गया। वह चापलूसी करते हुए बोली उसे, रॉकी भैया तुम इतने बड़े हो, शक्तिशाली हो, मोटे हो, ताजा हो, होने के बाद भी तुम इतने दयालु हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें अपना भाई बनाकर। रॉकी मुस्कुराकर बोला, पर मेरी बहन तो इतनी शक्तिशाली नहीं है ना, वो तो कमजोर सी है कि हवा के तेज झोंके से भी उड़ जाएगी वो तो। लोमड़ी बोली, क्या करूं भैया, रोज रोज भोजन तो मिलता नहीं है, घूमने जाती जंगल में लेकिन भोजन नहीं मिलता, तो वापस भूखे ही लौटना पड़ता है। फिर रॉकी बोलता, बहन तुम चिंता मत करो, शिकार करने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हें अपनी टोली हमारे ग्रुप में लिए चलता हूँ, वहाँ मैं तुम्हें रोज बढ़िया भोजन कराऊंगा और तुम जल्दी ही मेरी तरह मोटी ताजी हो जाओगी। यह सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई, अरे वाह, अब तो बिना शिकार के ही भोजन मिल जाएगा। वह कुछ देर बाद बोली, भैया तुम्हारी गर्दन पर कैसा निशान है? रॉकी बोला, असल में मेरे स्वामी रात में मेरी गर्दन में एक सोने का पट्टा बांध कर रखते हैं, जो मुझे बांध कर रखते जिससे मैं भाग ना सकूं, और जिसमें चांदी की जंजीर लगी हुई है, ये उसी पट्टे का निशान है। लोमड़ी बोली, भैया इसका मतलब है कि तुम आजाद नहीं हो, तुम अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते हो। पट्टा तो पट्टा है, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, ठीक है ना, पट्टा तो पट्टा है, सोने से क्यों बने हो चाहे। गुलामी तो हमें किसी की करनी नहीं चाहिए, गुलामी करना बहुत गलत बात है,
मुझे बढ़िया भोजन भले ही मिले ना मिले, चाहे मैं भूखी सो जाऊं, लेकिन मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगी। मुझे जंगल में आजादी से रहना पसंद है, जहां मैं चाहूं वहां मैं जा सकती हूं, है ना मंजूर है। मैं तो कहूंगी तुम भी आज से स्वतंत्र रहो, तुम भी इस गुलामी को छोड़ दो और तुम मेरे साथ जंगल में चलो। सचमुच बड़ा मजा आएगा, कहीं भी घूमेंगे, कुछ भी खाएंगे। इतना कहकर लोमड़ी जंगल में चली गई और रॉकी सर झुकाए अपनी गुलामी के बारे में सोचने लगा। अच्छी नहीं गुलामी, वास्तव में हमें कभी किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। लेसन बहुत अच्छा है, एक बार आप खुद भी रीडिंग करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू बेटा।